नमस्कार, आप हैं अखबार दालू के साथ और मैं हूं। एमपी पब्लिक स्कूल केवथर की छात्रा ने दसवीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में सातवां स्थान हासिल कर बिंद का नाम किया रोशन। एमपी पब्लिक स्कूल केवथर की छात्रा स्वाति सिंह, पिता सरदार सिंह ने विगत 4 जुलाई को मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा घोषित दसवीं की परीक्षा के परिणाम में 300 में से 297 अंक प्राप्त करके प्रदेश में सातवां स्थान अर्जित किया है। छात्रा ने इस मुकाम को हासिल कर प्रदेश में अपने स्कूल के साथ साथ अपने गांव, समाज एवं बिंद का नाम भी रोशन किया है। इस खुशी के अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ ब्रह्म नारायण शर्मा, पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष केवथर ने छात्रा स्वाति सिंह को सम्मान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। छात्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि छात्रा की इस उपलब्धि का कारण माता पिता एवं गुरुजन हैं। साथ ही छात्रा ने यह भी बताया कि जरूरी नहीं कि हम 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई करें। यदि हम पढ़ाई को गंभीरता से लेते हुए 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं तो इस मुकाम तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं विद्यालय के संचालक अमरनाथ श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था के लिए क्षेत्र में अपने संस्था को स्थापित कर क्षेत्र के युवाओं को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था के शिक्षक कोरोना जैसी महामारी में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाकर विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य कर रही है। श्री श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि हम छात्रा स्वाति सिंह, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हैं, इनके पिता एम्बुलेंस के चालक हैं और माता आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हैं। ऐसे में मैं विद्यालय परिवार की ओर से छात्रा स्वाति सिंह को 12वीं तक की कक्षा में अध्ययनरत करने के लिए 11वीं और 12वीं की पूरी फीस भी माफ करने की घोषणा करता हूं। साथ ही छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही संस्था के द्वारा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में अजय श्रीवास्तव, शिवदयाल तिवारी, रमा मित्र मिश्रा, अरुण मिश्रा, शुभम मिश्रा, अनुराग शुक्ला सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहे। धन्यवाद। पब्लिक स्कूल के संस्थापक हमारे सहयोगी साथी अमरनाथ श्रीवास्तव जी, विद्यालय के सभी शिक्षक बंधु, बिटिया स्वाति, उनके माता पिता, निश्चित रूप से आज हम सब गौरवान्वित हैं। विद्यालय परिवार को तो गौरवान्वित होना ही चाहिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारी बिटिया आज हम सब लोगों का नाम रोशन कर रही है। बहुत अच्छे नए प्रतिशत अंक प्राप्त कर 99 अंक प्राप्त करके निश्चित रूप से जहां अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, तो उधर तहसील का नाम रोशन किया, वहीं जिले का भी नाम रोशन किया है। हम सबकी शुभकामना उसके साथ है और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि विद्यालय परिवार ने जो मेहनत किया है, इसके विद्यालय परिवार को चलाने वालों ने जो मेहनत किया है, उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। ईश्वर इसे और आगे प्रगति के पथ पर ले जाए, 12वीं में भी अच्छे अंक प्राप्त करे और अपने जीवन में अच्छे अंक प्राप्त करके सफलतापूर्वक अपने जीवन का संचालन करें। उससे जहाँ इनका नाम रोशन होगा, इनके माता पिता का नाम रोशन होगा, वहीं हम सब लोगों का और इस विद्यालय के जितने भी गुरुजन बिंदु हैं, पूरा परिवार आज खुशी से समाहित है। मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूं कि विद्यालय परिवार और मेहनत करके आने वाले समय में और अच्छी मेहनत करके और अच्छे विद्यार्थियों को, बच्चों को, बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे करके केवथर तहसील का नाम रोशन करेंगे। जय। देखिए, हम जिस उद्देश्य के लिए स्कूल खोले थे, गरीब लोग गरीब नहीं जा सकते, आज हमें बड़ी खुशी है कि गरीब बच्चे हमारे सातवें अंक ला करके हमें गौरव हासिल किया है और इसलिए हम उनके माता पिता और गांव को बधाई देते हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, इसी प्रकार से हमारा स्कूल चलता रहे और गरीब बच्चों के लिए गांव का नाम रोशन होता रहे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी जो कल्पनाएँ थी 1908 में, आज इस बच्चे ने पूरी कर दी और हम इस बच्चे के ग्रामीण और ब्राह्मी के समस्त फीस माफ कर रहे स्कूल के स्कूल तरफ से। और भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को यहाँ पे? अब बच्चों का ग्रामीण स्तर से जो भी व्यवस्था हम लोग होता संस्था तरफ से हम लोग कर रहे हैं,
ये संभव है कि पूर्ण पेट से हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी योजना है कि हम ऐसे छात्रों को, गरीब परिवार के बच्चों को हम अपनी शिक्षा दें और हमारे स्कूलों का नाम भी रोशन होगा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। हाजिर की है तो किस प्रकार से आपका सपोर्ट रहता था और किस कठिन परिश्रम से आज ये आपकी बेटी द्वारा ये अंक हासिल किया गया, क्या कर रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा स्कूल के जो टीचर है बहुत अच्छी काफ़ी मेहनत की है, जिन्होंने उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत कर रही थी उसका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। मैं शिक्षा दे जा रही थी स्वाति द्वारा आज 99% अंक हासिल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा खुश और भी बच्चों से मुझे अपेक्षा थी मैथ्स में अच्छे रिजल्ट आने के लिए, स्पेशली स्वाति का मैथ्स में 100 out of 100, उसके लिए मैं हाईली इम्प्रेस्ड विद आवर कलीग्स एंड मेंबर्स। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन ऑफ स्वाति सफर। थैंक यू। तो ये सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 6 या 7 घंटे पढ़ें, हम मुश्किल से अगर 3-4 घंटे में पढ़ेंगे तो इतना परसेंट लाना स्वाभाविक है, क्योंकि और हमें टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए कि निश्चित है हमें 3-4 घंटे पढ़ने हैं, कि नहीं कि किसी दिन हम 6 घंटे पढ़े और किसी दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़े, तो टाइम टेबल बना के हमें पढ़ना चाहिए। और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहूँगी, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट टीचर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, लाइक ललित सर, मित्रा सर, बीजू सर, मेरे क्लास टीचर बीएल सर और अरुण सर, सभी ने बहुत सहयोग किया है मेरा। तो आपका गाँव कहाँ पढ़ता है? सही जवाब। तो माता पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किस प्रकार से प्रेरणा शिक्षकों से मिलती थी, माता पिता से किस प्रकार से प्रेरणा? हुए थे उठा क्षेत्र का मान बढ़ाया और रीवा जिले में भी प्रदेश में 7वां और जिले में 4था स्थान प्राप्त की, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है सबसे ज़्यादा, तो फिर हम अपने मीडिया के लवले सर मैथ टीचर को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मैथ बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए मैं अपने अच्छे नंबर मैंने मीडिया किया है। ड्राइवर कौन है? गाड़ी कौन चलाएगा?